हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू क्वेश्चन नंबर 44। व्हाट वी हैव इन दैट क्वेश्चन, दे आर सेइंग वी हैव टू डिवाइड 150 इनटू टू पार्ट सच दैट वन पार्ट इज 25% ऑफ द अदर। एंड व्हाट दे आर आस्किंग बोथ द पार्ट एट द सेम टाइम, दैट इज गिवन इन ऑप्शंस आल्सो। तो एज आई टोल्ड यू दैट व्हेन वी हैव टू फाइंड टू आंसर in any question and both the answers are given in the options, we have to always use the options to get the answer, not doing the statement, right? So let me take option number first, yani one part 20% jyada hai beta, to 20% of other part hai aapka, that means let me take the 20, pehle ye dekhte hain beta 25% ka meaning kya hota, that is equal to 25 divided by 100, that means it is equal to 1/4. तो इसका 1/4 निकाल लेते हैं, क्या ये 30 आ गया बेटा, यानी सेकेंड पार्ट आ गया आपका, यही काम होगा। और इन दोनों का टोटल सम कितना होना चाहिए था बेटा, 150, बिकॉज दोनों पार्ट हैं। देखो दोनों बातें करेक्ट आ रही होंगी, दैट्स वाई आंसर गोज टू दिस। क्वेश्चन को सोल्व नहीं करना है, आप चाहो तो एक्स वाई मान के क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो, बट इट्स योर चॉइसिस, आई विल नॉट रिकमेंड दैट एक्स वाई वाला मेथड, राइट? ओके, देन आंसर गोज टू ऑप्शन नंबर फर्स्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 44।